Good morning, my dear student. Today we are continuing our chapter 6. आज हम चलेंगे बच्चे exercise 6B पर. We observe that to express an amount of money in short form, we put a dot to separate rupees and paise. जब हम बच्चे रुपीस और पैसे को हम अलग अलग हमें बताना है तो हम उसको कैसे बताते हैं, बीच में एक डॉट लगाते हैं. द नंबर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डॉट रिप्रेजेंट रुपीस. जो नंबर मान लीजिए ये नंबर है, जो हमें लेफ्ट साइड का नंबर है वो रुपीस के बारे में बताता है और जो राइट साइड का नंबर है वो पैसे के बारे में बताता है. Here it is important to note that we always write paise as a two digit number. ये याद रखना बच्चे हमेशा कि पैसे को हमेशा two digit number में लिखते हैं. अब चलिए exercise. Write in the short form. तो हमें क्या question दिया गया है बच्चे, short form में हमें लिखना है और हमें नंबर दिया गया है 5 रुपीज 25 पैसे. राइट इन शॉर्ट फॉर्म, राइट इन शॉर्ट फॉर्म. तो 5 रुपीज 25 पैसे, 5 रुपीज 25 पैसे. अब इसको बच्चे शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एक डॉट लगाएंगे. डॉट से लेफ्ट साइड पे 5, लेफ्ट साइड में 5 और राइट साइड में क्या आ जाएंगे पैसे, तो 25 पैसे. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 रुपीज 25 पैसे. अब देखो बच्चे सबसे पहले एक डॉट लगा लीजिए, रुपीस कितने हैं 12 है और पैसे कितने हैं 20, तो 20 पैसे, रुपीस 12 20 पैसे. क्लियर. अब चलिए बच्चे एक्सरसाइज 6C पर, एक्सरसाइज 6C पर चलिए. We know that 100 पैसे make 1 रुपी, 1 रुपी is equal to 100 पैसे. 1 रुपी is equal to 100 पैसे. Yes, उसके बाद चलिए बच्चे 2 रुपीस is equal to 200 पैसे, 15 रुपीस is equal to 1500 पैसे. नेक्स्ट चलिए बच्चे फर्स्ट टू कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसे, वी जस्ट पुट 2 zeros टू द राइट ऑफ द गिवन नंबर ऑफ रुपीज. अगर हमने रुपीज से पैसे बनाने हैं तो आप क्या करेंगे, जो हमें नंबर दिया गया है उसके राइट साइड में 2 zeros लगा देंगे. नेक्स्ट चलिए टू कन्वर्ट रुपीज एंड पैसे इनटू पैसे, वी सिंपली रिमूव द डॉट एंड द सिंबल रुपीज. क्या करेंगे बच्चे, हम जो डॉट है उसको रिमूव कर देंगे. ओके, और हम क्या करेंगे सिंबल लगा देंगे रुपीस का. तो समझ लीजिए बच्चे इसको एक्सरसाइज 6C क्वेश्चन नंबर 1 कन्वर्ट इनटू पैसे. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कन्वर्ट इनटू पैसे. रुपी दिया गया है हमें 4 रुपीस, पैसे में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, 4
okay? 1 rupee is equal to 100 paise. So 4 rupees is equal to, multiply bhi kar sakte hain aap, 4 multiply 100 is equal to 400 paise. Next chaliye bachche, 20 rupees. Yes, 20 likhkar piche 2 zeros lagaiye. 2000 paise. या क्या करेंगे बच्चे, 20 multiply 100 is equal to 2000 paise. Next चलिए बच्चे, convert into paise. अब क्या करना है, हमें क्या दिया गया है, रुपी दिए गए हैं, हमें किसमें convert करना है, पैसे में convert करना है. तो क्या करेंगे बच्चे, rupees 5 दिया गया है, ऐसे ऐसे दिया गया. आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बीच वाले डॉट को हटाना है, सिर्फ इस डॉट को आपने रिमूव करना है. 500 पैसे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना. नेक्स्ट चलिए, 7.75 rupees, 7.75 रुपीस दिए गए हैं. आपने सिर्फ इस डॉट को रिमूव करना है. 775 पैसे. ओके मेरे बच्चों, हैव यू एनी कंफ्यूजन? ओके, नेक्स्ट चलिए, कन्वर्ट इनटू रुपीस. अब हमने क्या करना है, पैसे दिए गए हैं उसको रुपीस में कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट इनटू रुपीस. क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट इनटू रुपीस. इसमें बेटे 600 पैसे दिए गए हैं. इसको हमने रुपीस में करना है. आप क्या करेंगे, जो ये 2 जीरोस है इसको रिमूव कर देंगे, हो जाए. ओके, नेक्स्ट चलिए, 450 पैसे. अब इसमें बच्चे आपने क्या किया, जीरोस रिमूव कर दी. नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, या आप इसको 100 से डिवाइड भी कर सकते थे. 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट डेसिमल लगा देते. डेसिमल से पहले का जो नंबर है वो तो क्या होता है, रुपीस. बाद का नंबर पैसे. इसने पैसे लिए, इसलिए सीधा 6 रुपीस. नेक्स्ट चलिए, 450 पैसे. सो बच्चे क्या करेंगे आप, 450 डिवाइडेड बाय 100, 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल. डेसिमल से पहले का जो नंबर है, लेफ्ट साइड का नंबर है, वो क्या होता है, रुपीस. बाद का नंबर पैसे. क्लियर? वेरी सिंपल बेटे. नेक्स्ट चलिए, 1275 पैसे. ये आपने क्या बनानी है, रुपीस बनानी है. अपॉन 100, तो डिजिट के बाद डेसिमल लगाइए. 12 rupees 75 पैसे. क्लियर? ओके मेरे बच्चे, समझ आ गया आपको. इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6B एंड C कंप्लीट होती है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. गुड डे.